दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टेक जगत से काफी भयानक चीज बताने वाला हूँ, काफी भयानक न्यूज बताने वाला हूँ, क्योंकि Google ने अभी इसका खुलासा किया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक है वो स्वयं Google के ही ऊपर हुआ था। यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक है वो Google पे किया गया था। सारी जो डिटेल है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों हाल ही में गूगल ने यह बताया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक है वो गूगल पर ही किया गया है, जो कि 2017 में किया गया था। पर गूगल अब जाके अक्टूबर 2020 में इसकी जो सभी डिटेल है उन्होंने दी है। यानी 3 साल बाद गूगल ने ये बताया कि हमारे ही सर्च इंजन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जो कि 2016 में भी एक साइबर अटैक हुआ था, उससे भी हाई प्रोफाइल की रेटिंग ब्रॉड बैंक वाली अटैक जो है वो गूगल पे 2017 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि गूगल ने यह भी कहा है कि इस साइबर अटैक से जूझते हुए उन्होंने 6 महीने तक इस अटैक का सामना किया, फिर उन्हें इस साइबर अटैक से मुक्ति मिले। यानी गूगल जैसी बड़ी सर्च इंजन कंपनी भी 6 महीने तक इस साइबर अटैक से ग्रसित थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा ये साइबर अटैक हुआ होगा। गूगल ने भी साफ कर दिया है कि ये ऐसा कोई एक पर्सन या एक कंपनी नहीं कर सकता, इसे करने के लिए उस कंट्री की गवर्नमेंट की भी परमिशन होनी चाहिए, साथ ही साथ ये बड़े नंबर ऑफ स्किल पर ही किया जा सकता है। ये जो साइबर अटैक था डीडोस के 2.5 टीबीपीएस वाले एनर्जी के साथ गूगल पर अटैक किया गया था, जो भी काफी बड़ी डीडोस टीबीपीएस माना जाता है। ऐसा अटैक अभी तक दुनिया के किसी भी सर्च इंजन या फिर अभी तक साइबर अटैक में हुआ ही नहीं है। दोस्तों अगर हम डीडोस को आसान शब्दों में समझे तो इस तरह का जो अटैक किया जाता है किसी भी नेटवर्क के ट्रैफिक को रोकने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं कि जैसे ही सिग्नल रेड होने के बाद सभी बाइक्स खड़ी हो जाती हैं, यानी जैसे ही ट्रैफिक लाइट रेड हो जाता है और सभी जो गाड़ियां हैं वो सिग्नल का इंतजार करती है। पर यहाँ पर जो डीडोस के द्वारा हमला किया गया 2.5 TBPS वाले हमले पे, यहाँ पर ऐसा हमला इसलिए किया जाता है कि किसी भी सिग्नल या भी किसी भी सर्च इंजन या फिर किसी भी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसे पूरी तरीके से जाम करने के लिए इस तरीके का हमले की प्रयास की जाती है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो जो सर्च इंजन है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है और जो वो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। पर यहाँ पर गूगल के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनके जो भी एम्प्लॉयज थे वो काफ़ी होनहार थे, उन्होंने 6 महीने तक इस हमले को झेला और उसके बाद इसका फाइनली सल्यूशन लेके आ गए और गूगल ने 2020 में इस हमले का खुलासा किया। और ये मैं बता दूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। ऐसा साइबर अटैक अभी तक किसी भी वेबसाइट या किसी भी सर्च इंजन पर नहीं हुआ था, इसके पहले 2016 में हुआ था। पर अब ये जो है साइबर अटैक वो लेटेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।